हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। कंप्यूटर अवेयरनेस की इस सीरीज में आज हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो अभी वीडियो हमने बनाई है वहाँ पर हमने इनपुट डिवाइसेस को लास्ट कंप्लीट किया था, और आज इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस। देखिए, हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। अब देखिए, वो जो आउटपुट जिस डिवाइस की हेल्प से देगा उन डिवाइस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमारा मोनिटर, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स और प्रिंटर्स, ये सभी हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस वीडियो में हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। पहला टॉपिक हमारा मॉनिटर। मॉनिटर आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, कंप्यूटर की जो मेन आउटपुट डिवाइसेस होती है, जो कंप्यूटर की मेन आउटपुट डिवाइसेस होती है उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। इट फॉर्म इमेजेस फ्रॉम द टाइनी डॉट्स आर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखिए, मॉनिटर्स पे क्या होता है, छोटी छोटी डॉट्स होती हैं जो कि रेक्टेंगुलर वे में अरेंज्ड होती हैं। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पिक्सल। देखिए, जो इमेज की शार्पनेस होती है वो पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपने सुना होगा कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को डिनोट करता है, शार्पनेस को। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स। अब देखिए, मॉनिटर्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। जैसे कि पहला हम अगर बात करें कैथोड रे ट्यूब, आपने देखा होगा एक बड़ा सा कैबिनेट, पहले जब कंप्यूटर हम यूज़ करते थे तो एक बड़ा सा कैबिनेट होता था, उस कैबिनेट के अंदर स्क्रीन होती थी सामने, और पीछे उसका इस तरीके से स्पेस होता था जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी, उसी को हम बोलते हैं सीआरटी स्क्रीन। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। द सीआरटी डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स। देखिए, ये भी जो इसकी स्क्रीन होती है पिक्सल से बना होता है, और सीआरटी ट्यूब्स क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इस तरीके से एक सीआरटी की स्क्रीन होती है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम जाती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर ये स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद हमें यहाँ पर क्या देती है, एक इमेज देती है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब्स होती है, जैसे मैंने बताया क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो कि वैक्यूम होती है, मतलब इसके अंदर एयर नहीं होती है, इसके अंदर पूरी वैक्यूम होती है, और इमेज को प्रोड्यूस करती है, किस पर प्रोड्यूस करेगी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, और कब करेगी, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करेगी। और जो ये इमेज प्रोड्यूस करेगा, ये मोनोक्रोम भी कर सकता है और कलर, यानी कि दोनों तरीके की ये इमेज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये मोनोक्रोमेटिक भी होता है और कलरफुल भी होता है। फ्लैट डिस्प्ले, देखिए जब कैथोड रे ट्यूब के बाद फिर क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आए। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेज दैट हैव द रिड्यूस द वॉल्यूम वेट एंड पावर। देखिए, फ्लैट डिस्प्ले ने क्या कर दिया, अब ये फ्लैट डिस्प्ले ने इसका तो वॉल्यूम कम कर दिया, जगह कम घेरनी स्टार्ट करी इसने, वेट कम हो गया, और पावर कंजम्पशन भी इसकी कम थी एज कम्पेयर टू सीआरटी स्क्रीन। देन फिर आपका एलसीडी आया। एलसीडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, देखिए, इस टाइप के डिस्प्ले के अंदर जो लिक्विड होता है, क्रिस्टल्स, जो लिक्विड होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, और जो एलसीडी होता है वो पावर और भी कम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू सीआरटी या एज़ कम्पेयर टू फ्लैट पैनल डिस्प्ले। और इसके अंदर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ होती है टू इल्यूमिनेट एंड ब्राइट इन द इमेज। देखिए, इमेज को ब्राइट करने के लिए इसमें एक तो फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ होती है। द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड प्रोड्यूस गुड इमेज क्वालिटी, और जो इसकी इमेज क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और रिजोल्यूशन और कंट्रास्ट लेवल भी इसका क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू सीआरटी ज़्यादा होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, अभी आगे मैं आपको एक एलईडी पैनल के बारे में और बताऊंगा। जो एलईडी
से भी कम पावर कंज्यूम जो करता है वो एलसीडी करेगा। ओके, अब इसके अंदर आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके की इसकी पिक्चर्स होती है, जो इसका सिंबल होता है ये होता है, ये आपका एनोड होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल भी बोल देते हैं, ये आपका कैथोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, देखिए इसके अंदर मैं समझा देता हूँ होता क्या है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है। ओके, ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है, दैट एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। देखिए कब लाइट फ्लो करेगा, जब हम इसको वोल्टेज की सप्लाई देंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विद द इलेक्ट, देखिए इसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब हमने इसको पावर सप्लाई दी, इसको वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होगा होल के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन होगा तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और एनर्जी को किसके फॉर्म में रिलीज़ करेगा, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन के फॉर्म में क्या करेगा, लाइट को रिलीज करेगा। और आगे इसमें देखते हैं, ये मैं सीआरटी आपको बता रहा था, सीआरटी इस तरीके से होती है आपकी, ये आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन बीम ये जाकर इस पर स्ट्राइक करती है। ओके, अब देखिए जो मैं बता रहा था कि एलसीडी जो पैनल है वो लेस पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि ना ये जो लेस पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि क्योंकि जिस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, प्रिंसिपल ये होता है कि वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है। जो एलसीडी पैनल होता है वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है रादर देन एमिटिंग। भाई अगर आप एलईडी की बात करोगे, एलईडी में क्या होता है, वो लाइट को एमिट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में, और जो आपका एलसीडी है वो लाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसलिए एलसीडी क्या होता है, लेस पावर कंज्यूम्ड डिवाइस होती है। सिंबल का ध्यान रखना है, इसका एनोड होता है, कैथोड होता है, बता दी मैंने आपको। ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको, एलईडी जो हम पढ़ रहे थे, एलईडी मॉनिटर्स आर न्यू बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द पिक्चर क्वालिटी। द एलईडी मॉनिटर इज मोर लाइफ लाइक एंड एक्यूरेट ड्यू टू द इम्प्रूव्ड कंट्रास्ट रेशो एंड कलर सेचुरेशन ओवर एलसीडी। बस इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि ये ना, इसका जो कलर सेचुरेशन होता है, इसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एलसीडी। देन फिर एक और इम्प्रूवमेंट किया गया एलईडी के अंदर, अब आपका यहाँ पर ओएलईडी आ गया है। आपने देखा होगा जो आज की हम मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उस डिवाइसेस में ओएलईडी स्क्रीन लगी होती है। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर मेड अप ऑफ द सम ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल लगे होते हैं इसमें, कंटेनिंग कार्बन लाइक वुड, प्लास्टिक और पॉलीमर्स, दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक करंट इंटू लाइट। देखिए इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होता है, जो क्या करता है, लाइट करंट को, जो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट करंट, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दे आर डायरेक्टली यूज टू प्रोड्यूस द करेक्ट कलर एंड देयर इज नो नीड फॉर बैक लाइट, विद सेव पावर एंड स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, पावर को भी, पावर और स्पेस दोनों को क्या करता है, ये सेव करता है। आगे देखिए, ये आपकी अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रिंटर्स। एक काम करते हैं, प्रिंटर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना थोड़ी बड़ी ज़्यादा वीडियो हो जाती है। ओके, देन फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम प्रिंटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।